अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी कैसे हैं आप सब? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आज कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं ही हूँ। जी फहद है, और मैं मरियम। कौन कौन रहता था? दोनों क्लास में। अच्छा चलें ठीक है, फाद आप करें प्रेजेंट। उसके अलावा और किसकी रहती है? बाकी सब की होगी फिलहाल जो है यहाँ पे। चलें आप फाद स्टार्ट करें, तब तक कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज भी ओके। आप करें स्टार्ट। स्क्रीन शो हो रही सर? जी हो रही है। ओके सर, बिस्मिल्लाह। सर दिस इज आवर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट ने अभी तक हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, प्रोडक्ट लिस्ट हंटिंग और लिस्टिंग और सोर्सिंग। और सर व्हाट इज ई कॉमर्स? तो आपको वहाँ से हर किस्म की प्रोडक्ट मिल जाएगी। वहाँ आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन सेंडिंग रिसीविंग एवरीथिंग हो सकता है थ्रू ई कॉमर्स। जो सर ई कॉमर्स है, इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं। टाइप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मोस्टली कंसिडर की जाती है वो दो है। इसमें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर है, लेकिन मैंने इसमें एक और भी ऐड कर दी थी, कंज्यूमर टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि हम ई कॉमर्स बिजनेस से दूसरे बिजनेस के थ्रू करते हैं। फिर नंबर टू आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें एक बिजनेसमैन होगा और दूसरा उसका कंज्यूमर होगा। ये दोनों, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा। फिर तीसरा हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें कंज्यूमर होगा और बिजनेस होगा और कंज्यूमर का बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्शन होगा। ये बेसिकली तीन टाइप्स हैं कॉमर्स की। अमेज़न आ जाता है। सर अमेज़न इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर है, जहां से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं एज यू विश। और ये इस वक्त सबसे ट्रेंड और टॉप पे जा रहा है। 2018 में सर इसकी जो है थी इनकम 268 बिलियन डॉलर थी, ये 2018 के थ्रू थी। अमेज़न पे हम सर डिफरेंट किस्म के बिजनेस हम खुद भी सेल भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल के थ्रू कर सकते हैं या होलसेल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप वहाँ कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, आपके जो भी इनकम है उससे मिलती जुलती आप वो प्रोडक्ट को वहाँ कर सकते हैं। तो ये सर एक यूएसए की मार्केट है, जहाँ पे आप इंडिविजुअली बिजनेस कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में कर सकते हैं, चाहे आप यूएसए में करें, यूके में करें, कनाडा में करें, जर्मनी में करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से कंट्री के अंदर आपने बिजनेस को रन में स्टार्ट करना है, जो भी करना है। सर अमेज़न में जो बिजनेस है उसमें डिफरेंट मेथड है। अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, मीन्स के कोई भी प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करनी है अमेज़न के ऊपर, तो आप वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वो उतार के उसको लॉन्च करेंगे। इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग है, हंटिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है। सही होगा कि मेथड्स लॉन्च द प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, ये लिस्टिंग हंटिंग ये मेथड्स होंगे? नहीं सॉरी, ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए
ये पूरे इसके सोर्सिंग मतलब कि एक तरीका कार है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपको इन स्टेप्स के थ्रू गुजर के प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट सोर्सिंग और पीपीसी कैंपेन। सबसे पहले जो हमारे पास है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग आएगी। यहाँ पे सर ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूके का क्राइटेरिया है। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू सोर्टिंग है, मीन्स कि आप रेवेन्यू जितना मर्जी हो वो कोई इशू नहीं। फिर नंबर टू पर रिव्यू आ जाएंगे, जो कि थ्री सेलर होंगे उनके रिव्यू लेस देन 200 होंगे, जो कि टॉप 10 के अंदर आएंगे हमारे पास। या टॉप 10 के अंदर जो थ्री सेलर होंगे उनके रिव्यू 200 होने चाहिए। फिर सर इसमें रेवेन्यू आ जाता है नंबर थ्री पे। टॉप 10 सेलर में से 5 का रेवेन्यू 50,000 तक होना चाहिए। ये जीबीपी है, ये ब्रिटिश की करेंसी है, क्योंकि मैंने इसको तो यूरोप यूके का जो ट्रेंड है वो शेयर किया आपके साथ। फिर नंबर चार पे इसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी, जो कि 7 pounds से मिनिमम 7 pounds हो और मैक्सिमम 30 pounds तक हो। नंबर पाँच पे कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 1,000 से कम होने चाहिए, 1,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर नंबर छः पे सर्च वॉल्यूम आ जाता है, जो कि मिनिमम स्टार्ट होना चाहिए 5,000 से और आगे जितना मर्जी जा सकता है। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ये लाई करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस हिसाब से है। फिर नंबर 7 पे अमेज़न एज सेलर। टॉप 10 के अंदर जो टॉप 3 है उनकी में अमेज़न ना हो। फिर नंबर 8 पे हमारे पास ब्रांड डोमिनेशन आ जाती है, जो कि टॉप 10 के अंदर 3 ब्रांड में ये भी नहीं होनी चाहिए। फिर सर गूगल ट्रेंड आ जाता है नंबर 9 पे, क्योंकि इन्होंने सर नंबर 3 years का किया, आप 5 years का भी कर सकते हैं। और ये जो ये लेस 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ऊपर ही होना चाहिए। तो कोशिश ये है कि 75% से प्लस हो। फिर नंबर 10 में सीजनलिटी आ जाती है कि आपके प्रोडक्ट सीजनल ना हो, जिस तरह विंटर या समर का सीजन होता है। विंटर्स में अगर आप इस प्रोडक्ट उठाते हैं, लाइक आप कोई कैब ले लेते हैं या स्कर्ट्स दे लेते हैं या शूज़ दे लेते हैं, तो जस्ट एक विंटर में चलेगी। अगर आप समर में देखेंगे तो आप समर में शर्ट्स ले लेते हैं या जस्ट कैप ले लेते हैं, जो कि समर के साथ वो प्रोडक्ट हमारे पास सीजनल आ जाएगी और हम वो नहीं कर सकते। फिर नंबर 11 पे हमारे पास गेट आ जाएगा, जो मैक्सिमम 1.5 kg हो, इससे ज़्यादा ना हो। और ये जो वेट होगा सर, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लाई करेगा। अगर आप किसी बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा जो अमेज़न को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो उसकी शिपिंग होगी सर जो भी। नंबर 12 पे प्रोडक्ट रेटिंग आ जाएगी, जो टॉप 10 में से एवरेज रेटिंग होनी चाहिए वो 4 से ऊपर ही होनी चाहिए, चाहे वो 4.5 तक चली जाए, 7, 8, 9। लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि हम जो भी प्रोडक्ट को हंट करें उसकी रेटिंग 4+ हो। नंबर 13 पे वैल्यू एडिशन, जिसके अगर आपने किसी लो प्राइस प्रोडक्ट को भी ऐड करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट अगर आपको करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ना हो। और सर ये जो क्राइटेरिया था ये सितंबर 2021 से स्टार्ट होके इन्होंने न्यू लॉन्च किया, उसके मुताबिक था। अब व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग? सर प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ऐसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, लाइक कि वो हमें मंथली अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, हमारी अच्छी सेल हो, जो हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर इतना भी जो पैसा लगाया है उसके बदले हमें अच्छी चीज़ मिले, अच्छा रेवेन्यू मिले। प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है वो बेसिकली बेस करती है 2 चीज़ों के ऊपर, कीवर्ड आइडिया और कीवर्ड एवेल्यूशन। जब आप प्रोडक्ट को हंट करेंगे तो आपका कीवर्ड जितना अच्छा होगा आपको प्रोडक्ट भी उतनी अच्छी मिलेगी, और जो आप सर्च वॉल्यूम है वो भी उसी पे बेस करेगा। जो सर हंटिंग के मेथड है वो इसमें 2 types हैं। इसमें आप मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं
और हंटिंग विद टूल्स, मैनुअल हंटिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट है आप अमेजोन की मार्केट में जाएं, वहां उसका लिखते हैं, लाइक आप तो एक वाटर बॉटल लिखते हैं वो लिख दें, आप एक गिलास लिखते हैं वो लिखते हैं, या आप एक बुक किसी बुक का नाम लिखते हैं वो लिखते हैं, उसको सर्च करें, सर्च करने के बाद आप उस पर एक्सरेज अप्लाई कर दें, ये जस्ट एक मैनुअल हंटिंग हो जाती है। अगर आपने हंटिंग में टूल्स करनी है तो टूल्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, इसमें फिल्म टेन है, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च की पब्रो है, इनके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे आपको। लेकिन आपने जब एक प्रोडक्ट को हंट किया है और आप चाहते हैं कि मैं इसका रिजल्ट किसी दूसरे टूल्स पर देखूँ, तो आप कोशिश करें कि जिस प्रोडक्ट को भी हंट करें हर टूल्स के ऊपर उसका जो रिजल्ट हो वो तकरीबन सेम होना चाहिए, ताकि आपकी जो हंटिंग है वो अच्छी हो जाए। सर इतना ज़ूम ठीक है? जी जी ठीक है, विजिबल है। सर मैंने जब टूल्स के थ्रू हंटिंग की तो मैंने सबसे पहले हीलियम पेन का यूज़ किया, क्योंकि आजकल हीलियम पेन की ज़्यादा डिमांड है, तो इसमें मैंने 5 कैटेगरीज को सेट किया था, जो मैंने अपना मंथली रेवेन्यू रखा वो 25,000 मिनिमम रखा, प्राइस मैंने 10 pounds से 60 pounds के अंदर थी, तो मेरे रिव्यू पॉइंट था वो मैंने मैक्सिमम 300 तक रख दिया, रेटिंग मेरी मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम चाहे मेरी 4.5, 7, 8, 9 तक भी चल जाए कोई इशू नहीं। और जो मैंने शिपिंग साइज रखा वो जस्ट स्मॉल साइज ओवर साइज रखा, स्मॉल ओवर साइज इसलिए रखा कि इसमें जो हमारी प्रोडक्ट का साइज है वो कम होगा, जो इसका वेट है वो भी कम होगा। और इसमें सर जो मुझे हंटिंग में प्रोडक्ट मिली थी वो मेरे थे एक बैग था, टूर बैग्स फॉर लेडीज फॉर वीमेन, जो ब्रांड था वो पीटर साइकिल है, जो सेलर है ये चाइना का सेलर बैठा हुआ है, और ये FBA का रहा है, मीन्स के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसकी शिपिंग है वो अमेजोन के थ्रू हो रही है, इसका साइज स्मॉल साइज है, इसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो 7 लगाई हैं एज पर क्राइटेरिया के मुताबिक, इसमें वेरिएशन काउंट 7 है, वेट इसका 0.53 pounds है, बाकी इसके नीचे पैकिंग डायमेंशन, स्टोरेज फीस 1000 यूनिट्स पर मंथ, और ये लास्ट 7 मंथ से ये कर रहा है। इसमें सर सेलर भी एक बट है जिसकी मिनिमम प्राइस 20.99 pounds है, और इसकी मंथली जो सेल है वो 1198 है, इसका मंथली रेवेन्यू 25,000 प्लस से आ रहा है, और इसका BSR 229 है, BSR उसका कितना कम है उसकी सेल उतनी ज़्यादा आगे इंक्रीज हुई जा रही है, और रेवेन्यू रिव्यूज इसके 193 हैं और रेटिंग 4.5 है, जो कि मेरे जो मैंने क्राइटेरिया दिया था उससे ज़्यादा ही है। तो सितंबर 2021 में इसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है, और लास्ट 90 डेज में इसकी जो प्राइस ट्रेंड है वो 94% इंक्रीज़ हुई है, और इसकी सेल में 98% भी इजाफा हुआ है। इसके बाद सर जी मेरी आ गई है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, जब मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सरे को अप्लाई किया तो उसने ये रिजल्ट में दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल रेवेन्यू है जो कि सर 2 lakh प्लस है पाउंड्स के अंदर, फिर एवरेज रेवेन्यू 6,174 pounds, फिर सर इसकी एवरेज प्राइस 33 pounds है, एवरेज BSR 9,000 प्लस है, और एवरेज रिव्यू 462 है। पर सबसे पहले जब हम एक्सरे अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट नजर आएंगे जो कि इस वक्त टॉप पे होंगी, तो हम कोशिश करेंगे उनको स्पॉन्सर हो उनको हाइड कर दें, क्योंकि हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते, उनको कम्पीट करना होगा तो हमको ब्रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर उनके लेवल में आने के लिए। तो सर ये प्रोडक्ट डिटेल्स की ऑर्डरी टूर बैग्स इंटर साइकिल, ये इसका AC नंबर, ये ब्रांड भी इंटर साइकिल है, नंबर 2 पे भी इंटर साइकिल ही बैठा हुआ है। तो सर इसकी प्राइस 8.98, जो मंथली सेल्स की 264, दूसरे की 1198 है, मंथली इसका रेवेन्यू 25,146,
और इसका BSR 216 है जो कि बहुत अच्छा BSR है एज पर क्राइटेरिया। FPF इसकी 5.42 है, ये पर प्रोडक्ट के ऊपर Amazon को 5.42 चार्जेस दे रहा है शिपिंग के लिए, जो कि Amazon एज पर इसके UK के अंदर जितने भी कस्टमर हैं उनको जैसे जब प्रोडक्ट को कस्टमर को देगा तो ये 5.42 इसके शिपिंग चार्जेस होंगे। और इसका सेलर भी एक है लेकिन ब्रांड में अच्छी दो आ गए हैं। सर इसका क्राइटेरिया आ गया कार्ड में, सर इसका क्राइटेरिया तो 25 से लेस है जो कि बहुत ही कम है, लेकिन जैसे जैसे इस प्रोडक्ट ने स्ट्रगल किया है तो इस 75 प्लस से भी अबव चली गई है, 100 के करीब चली गई है। मीन्स के चेस किया हो या पाइपॉक्स को अप्लाई किया हो या इसने ब्लीडिंग की होगी, इसकी प्रोडक्ट अब ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है एज पर अदर। कीवर्ड सर एक ऐसे मीन्स के वर्ड होता है जो आप अमेज़न की मार्केट के अंदर उस वर्ड को सर्च करते हो। इफ यू डोंट इंक्लूड द राइट कीवर्ड, अगर आप कोई अच्छा कीवर्ड नहीं यूज करते, मीन्स कि आप ऐसे वैसे कीवर्ड उठा दोगे तो जो आपका टारगेट होगा ऑडियंस का जो आपने फाइंड करना होगा लिस्टिंग के लिए वो आप ठीक ही फाइंड कर सकते हैं। आपके जो मीन्स के अगर आप प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक पास हो जाएंगे। कीवर्ड आपकी हंटिंग के ऊपर बेस करता है, जितनी अच्छी आप वो कीवर्ड होगा आपकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट आएगी। योर कन्वर्सेशन रेट फॉल्स फ्लैट, योर डिस्कवर एबिलिटी ड्रॉप्स, आपके जो जो डिस्कवर जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उसकी जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, इसको उसकी इतनी खास वैल्यू नहीं होगी मार्केट के अंदर। तो कोशिश हमारी हम यही कर सकते हैं कि जो भी कीवर्ड उठाएं जिसकी प्रोडक्ट का वो अच्छा हो ताकि उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिले एज पर अदर। ये सर मेरे कीवर्ड्स हैं जो कि साइड ब्रोक के अंदर मैंने फाइंड किए थे। ये वुमन मैग एक कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम 99 है, इसके जो सर्च वॉल्यूम डेंट है वो -11% तक ड्रॉप हो गया है। और सर मैंने यहाँ क्वेश्चन करना था। हेलो जी जी करें। अच्छा सर जी, सैरिब्रो के अंदर हमारा अगर सर्च वॉल्यूम ड्रॉप हो गया तो क्या ये लाइक करेगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर? लाइक ड्रॉप कैसे हुआ? मतलब कि जैसे देखे ना सर्च वॉल्यूम 11% ड्रॉप हो गया, इससे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर हमारी जब लिस्टिंग होगी तो फिर उसको हम लिस्टिंग कर चुके हैं ना ऑलरेडी, फिर क्या होता है फिर ये कीवर्ड्स हम पीपी से कैंपेन में चेंज करते रहते हैं रैंडमली, वो जब हम करेंगे इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट से फिर उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार हमने लिस्टिंग कर दी, जो बेस्ट कीवर्ड्स हम लगा सकते थे वो लगा दिए, फिर हम पीपी से कैंपेन में जो ड्रॉप हो जाता है ना जिसका सर्च ट्रेंड है उसे नेगेटिव कीवर्ड कर देते हैं, वो फिर आप डिटेल पढ़ोगे उसे निकाल देते हैं फिर न्यू कीवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया सर। जिस तरह ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सर -24% ड्रॉप हो रहा है, 35% सर। इसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी की थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 3 से 20 क्वांटिटी तक पीस उठाते हैं तो उसने 0.93 ज्यादा रखी है, क्योंकि 20 से 1000 तक पीस उठाते हैं तो उसकी 0.86 डॉलर है। अगर आप 1000 से ज़्यादा पीस से लेते हैं तो उस पर उसने 0.56 डॉलर रखी है। इसे अगर आपने
डिफरेंट कलर रखे हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, रेड भी है, येलो भी है, ब्लैक है, इतनी क्वांटिटी आपने से परचेज करनी होगी, आप यहाँ ऐड करते जाएंगे ऐसे। इसमें फर्ज करता हूँ कि मैंने ये बैग इससे परचेज करना है, तो मैं प्रोडक्ट जितने मैंने पीस लेने हैं तो मैं उनको प्लस में क्लिक करके ऐड करता जाऊंगा, वो मेरे पीस इंक्रीज होता जाएंगे। तो मैंने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सप्लायर से कॉन्टेक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैंने ऑर्डर देना तो यहाँ से ऑर्डर का प्रोडक्ट मैं भेज सकता हूँ। डिलीवरी डेट है वो 100% है, और जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो लेस देन 3 hours है, जो कि मैक्सिमम 3 hours होने चाहिए, 2 hours होने चाहिए। अगर मैं इसको मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे अपने ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड वगैरह लगाना होगा, या मैं किसी भी सोशल मीडिया या फेसबुक या गूगल या ट्विटर के थ्रू इसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के थ्रू इसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ इसकी कस्टमाइजेशन है कि आप इससे ऊपर सैंपल्स भी है कि अगर आप इससे सैंपल्स भी ऑर्डर करने हैं तो आप सैंपल्स भी बाय कर सकते हैं, और आप सैंपल में ये आपको 1 piece देगा वो भी $12 का। सर यहाँ मैंने एक क्वेश्चन करना था, जब हम इनसे सैंपल्स मंगवाते हैं तो ये हमें फ्री नहीं दे सकते आप सैंपल? नहीं, हर चीज के अमाउंट लेनी होती है, हर चीज के चार्ज करना होता है। मतलब जैसे सैंपल जो है वो एक डिज़ाइन जो है लड़को, या सैंपल से मुराद डिज़ाइन है, वो एक डिज़ाइन हमें £12 में $12 में बेचेंगे, फिर वो डिज़ाइन हमारा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो और किसी और को नहीं बेचेगा। अच्छा अच्छा ठीक हो गया सर, जैसे अगर हमने एक प्रोडक्ट उससे उठा ली तो वो सिर्फ हमें सेल करेगा, किसी दूसरे बंदे को सेल नहीं कर सकते? हाँ, वो डिज़ाइन सिर्फ हमें सेल करेगा और किसी को उस डिज़ाइन का प्रोडक्ट नहीं देगा। फिर तो अगर हमने किसी दूसरे बंदे को देनी हो तो वो हमारे साथ फिर मीटू करेगा? हाँ, वो हमारे साथ लिस्टिंग में मीटू करेगा। ठीक हो गया सर, यहाँ इसकी कस्टमाइजेशन आ गई है, जहाँ आप कस्टमाइज लोगो है, मिनिमम ऑर्डर 500 pieces है, जो कस्टमाइज पैकिंग है वो मिनिमम ऑर्डर 1000 piece तक है, अगर आपने पैकिंग करवानी तो उसकी पैकिंग भी करेंगे। फाद के अलावा कोई और भी है प्रेजेंट करने के लिए? जी फाद, थोड़ा जल्दी बाय लग करें, ठीक है? ओके सर जी। बाकी सर यहाँ इस प्रोडक्ट का सारा ओवरव्यू आ गया है कि ये सॉलिड कलर है, शेप इसकी वर्टिकल स्क्वायर टाइप है, लेदर भी है, डेकोरेशन में जिस तरह ये चाइनाज लॉक चेन्स क्रोकोडाइल पैटर्न है, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन चाइनीज की है, इसका मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट नेम वुमेन क्रॉस बॉडी बैग्स, मटीरियल लेदर है, कीवर्ड्स हैंड बैग्स, जो मैंने कीवर्ड सर्च किया था, ये सारी इसकी डिटेल है, पैकिंग डिलीवरीज की आ गई, एस्टिमेट डेज हैं वो 14 दिन के अंदर आपको, मतलब अगर आप 500 pieces करते हैं तो 14 दिन के अंदर, अगर आप 500 से ज़्यादा करते हैं तो उसमें वो नेगोशिएट कर सकता है, मीन्स वो 14 दिन से भी पहले वो आपको डिलीवरी कर सकता है। ओके, ब्रांड नेम HSH फैशन बैग पहनना, ये सारा कुछ वो ही आ गए, ये बाकी इनकी इमेजेस आ गए। सर आई थिंक यहाँ तक ही था, बाकी ये कंपनी की डिटेल्स आ गई, मींस के जो इसका सप्लायर है जी। गोल्डन फॉर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डीपली आपने यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दी, ठीक है गोल्डन। ये सर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो कि कंपनी को डिफरेंट जो अदारे होते हैं इंटरनेशनल लेवल के थ्रू मिले हुए हैं, इसमें ये डिफरेंट सर्टिफिकेट भी हैं, मतलब अपनी प्रोफाइल उन्होंने बनाई हुई है जी सर, सारा कुछ जी।
थैंक यू सो मच जी अब्दुलरहमान, आप रेडी हैं, आप प्रेजेंट करें. ठीक है फाद, स्टॉप शेयरिंग कर दें. जी अब्दुलरहमान स्टार्ट करें आप. नहीं अब्दुलरहमान अभी तक नहीं हो रही. आप दरमियान में शेयर वाले बटन पे क्लिक करें. ठीक है विंडो पे करना, एंटायर स्क्रीन करें आप, उस पर क्लिक करें. एक सामने आपके पास एक टैब ओपन होगा, उसमें ऊपर जो एक आई होगी स्क्रीन उस पर क्लिक करेंगे, फिर शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे. जी अब हो रही है शो. जी करें स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं आपको मदद करनी है कि पिछले तकरीबन एक दो हफ्ते क्लास नहीं पा रहा, कुछ मसरूफियात थी जॉब की और कुछ घरेलू मामला होते हैं, कुछ अपनी सुस्ती भी है गायब तो इसलिए एग्जैक्टली मैं इस तरह नहीं टाइम दे सका इस स्टडीज को. तो ये भी मैंने एक दिन में तैयार किया कल से, तो कुछ लेक्चर को मैंने देख के. तो सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ, स्टार्ट करें. सर ये सर हमारी जो है सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग का. तो इसमें हमारे पास चार आगे टॉपिक्स हैं, टाइटल बनाना है हमने, टाइटल मेकिंग है, बुलेट पॉइंट्स हैं और इमेज हमने अपलोड करनी है और उसकी डिस्क्रिप्शन है. तो जो फर्स्ट हमारा इसका आगे है टाइटल मेकिंग, इसमें हमारा कैपिटल ये है कि जो भी हमारा वर्ड होगा जो उसका कैपिटल होगा वो इसमें हमने हमारा टाइटल है उसमें मैक्सिमम हमारे 120 और 150 के दरमियान वर्ड होना चाहिए हमारे पास, कोई प्रमोशन वर्ड ना हो हमारे टाइटल में और न्यूमेरिकल वर्ड कोई यूज नहीं करना हमने, और इसके अलावा कोई स्पेशल डायरेक्टर ना सिंबल ना और हमारी जो है प्राइस मेंशन होनी चाहिए. तो सर टाइटल स्ट्रक्चर है और सबसे पहले से हमारा ब्रांड नेम आएगा, उसके बाद मॉकअप आएगा, फिर हमारा कीवर्ड आएगा, उसके बाद कीवर्ड के आगे हेल्पिंग कीवर्ड आ जाएंगे, उसके बाद मटेरियल हमारा किस चीज़ का बना हुआ है वो चीज़ आ जाएगी, फिर आगे डायमेंशन है हमारे पास, उसके बाद कलर है. तो ये मैंने लास्ट में मैं बनाने में आपको शो कर दिया एग्जाम्पल में हादीज कलेक्शन है, इसमें हमारा ये हमारा ब्रांडिंग हो गया और इसके जो तमाम जो पहले वर्ड हैं कैपिटल हैं, फिर आगे डी यू और लेबल, डी यू ऑन लेबल सॉरी ओन भूल गया मैंने, डी यू और लेबल ये मॉकअप है हमारा, आगे टी शर्ट हमारा कीवर्ड हो गया, उसके बाद हमने भी कॉमा लगाना था, कॉमा के बाद फिर हमने हमारे आगे हेल्पिंग कीवर्ड का देंगे, हाफ स्लीव वॉशेबल कैजुअल शर्ट्स ड्यूरेबल और आयरनेबल. इसके बाद हमारे मटेरियल आ गया कॉटन, इसके बाद साइज मीडियम हो गया और फिर आगे हमने हाइपन डाल के ये चेस्ट और इसका आगे हमारा कलर आ जाएगा. तो ये हमारे मैक्सी ये वर्ड्स बन गए हमारे 132, जो कि हमारी जो रेंज है 120 से अबव होने चाहिए उसमें हमारे आ रहे हैं, ये हमारा टाइटल शुरू हो गया. सर हमारा है अभी हमने अपलोड करनी है, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले मैं अपना अकाउंट बनाया और अपना ड्रॉप बॉक्स के ऊपर, उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी की इमेज हमने तलाश करनी है जो भी हमें अपनी प्रोडक्ट की लगानी है, तो उसका हमें एक लिंक जनरेट करना है और जो हमारी पहली इमेज होगी वो मटेरियल को शो करेगी, मटेरियल या फोटो भी हमारी चीज़ है पहली पहली वो होगी, और जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ इमेज हैं उसमें उसके फीचर आ जाएंगे, और फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ जो इमेज है हमारी उसके उसमें जो भी हमारे यूज बनते हैं वो इमेज में शो करेंगे. तो एक और बात जो आपने पाई थी वो मैंने मेंशन कर दी है कि जो इमेज का जो शॉर्टर साइड है वो 1000 मेगापिक्सल होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और जो लार्जर साइड है तो मतलब उसकी जो हाइट है इमेज की वो 1500 मेगापिक्सल से अबव होनी चाहिए.
तो एक रिकमेंडेड साइज है इमेज का वो 1200 से लेकर 1600 मेगापिक्सल का हमारा बनता है। ठीक है सर। जी जी इसके बाद हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, तो जो भी अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें इसके जो मैक्सिमम उसमें करेक्टर मतलब शो करने वो 2000 हमारे करेक्टर्स हैं, तो इसमें इसकी सारी डिटेल्स में आ जाएंगी, डिटेल्स आ जाएंगी हमारी प्रोडक्ट मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट की जो इसमें जो भी प्रोडक्ट आ जाएंगी, तो इसमें हमारा कोई कीवर्ड का रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और सीक्वेंसिंग और हेडिंग के लिए इसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके फिर हम उसमें अपलोड करते हैं। इसके बाद आ गया सर बुलेट पॉइंट्स, ये भी इसकी जो रेंज है वो है कि शुड बी 500 कैरेक्टर्स किसी एक बुलेट पॉइंट में, जो हमारा ईच बुलेट पॉइंट है वो 500 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। तो पहला बुलेट पॉइंट हमारा वो हमारे मटेरियल को शो करेगा और जो सेकेंड और थर्ड बुलेट पॉइंट्स हैं वो किसी भी जो हमारे स्पेसिफिक फीचर है उस प्रोडक्ट के उसको शो करेंगे, और फोर्थ बुलेट पॉइंट पर इसका डिलीवरी हो जाएगा और फिफ्थ बुलेट पॉइंट की वारंटी आ जाएगी अगर वो होगी। उसके बाद सर है जो और जो मजीद कुछ के बारे में बात में लिखनी थी, तो पहली बात है गेटेड प्रोडक्ट क्या होती है, तो गेटेड प्रोडक्ट वो होगी जिसमें जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रग्स हो गई, मेडिसिन हो गई या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, तो इस सारी जो चीज़ें हैं तो इनके लिए लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इन चीज़ों को हम नहीं यूज़ करते, इन चीज़ों को हम ऐड नहीं लगा सकते। तो इसमें एक और एक चीज़ है समझने वाली, वो एस के यू सेलर कीपिंग यूनिट जो कि हमें लिखना होता है, तो अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है एस के यू, ये हर सेलर को दिया जाता है ताकि उसकी जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स हैं उस पर खास आइडेंटिटी बन जाए। इसमें तो सर है ए एस आई एन है ऐसे ही बोलते हैं सर, तो सर ने तो बताया नहीं था कि एस के यू ये शायद खुद कौन करते हैं SKU का? Sorry? Amazon पे provide करते हैं या ये खुद से जो listing करते हैं वो करते हैं SKU? ये खुद से हम रखते हैं, मतलब जो हमें हमें एक Amazon हमें एक template देगा तो ये हमने खुद से अपने record के लिए रखना है SKU। जी ये अपने पास record रखने के लिए हमें SKU बनाते हैं। और इसके बाद ये एस एन है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो इन केस ऑफ एफ ये हमें अमेजोन पे करते हैं। और इसके अलावा ये है कि हर जो रजिस्ट्रेशन होगी हमारी प्रोडक्ट की उसके लिए हमें डिफरेंट एस एन परचेज करना पड़ेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब कम से कम वेरिएशन हो ताकि हमें कम से कम अपना अमेजोन पे करना पड़े। और इसके बाद है प्रोडक्ट हंटिंग, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह है कि वो प्रोडक्ट हमारी ऐसी हो कि मतलब कि आगे मार्केट में उसकी वैल्यू हो और वो आगे सेल हो सके, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हमको चेक करनी होती हैं, देखना होता है कि ये प्रोडक्ट हमारी जो है आगे सेल हो सकती है या नहीं हो सकती। ये ना हो कि हम प्रोडक्ट ऐड लगा दें अपना ऐसे परचेज करें, प्रोडक्ट परचेज करें, सोर्सिंग करें और आगे हमें कोई फीडबैक ना मिले, उसके लिए हमें एक अच्छी प्रोडक्ट को हम करना पड़ता है। तो इसमें पहली चीज़ है वो क्या है कि सबसे मोर डिमांडिंग हो प्रोडक्ट और उसका जो कंपटीशन है उसका कंपटीशन लेस हो और वो ट्रेंडी और सीजन ना हो, और इसमें जो बाइंग पावर है सेलिंग पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि सेल भी अच्छा हो रहा हो और खरीदा भी जा रहा हो। इसके बाद है कि हमें उसकी कम से कम किसी कंपनी चलानी पड़े इसकी एड वगैरह में कम से कम लगाना पड़े, तो ये हमारी जो मेन जो मशीनें देखनी है वो जो हो गई। फिर इसमें जो इसकी जो प्रोसीजर है मैनुअल हंटिंग का क्या है कि पहले फॉर हमें देखना है वो क्या है, प्राइस शुड नॉट बी टू लेस और टू मच हाई, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, इसकी रेटिंग जो है वो 4+ होनी चाहिए और लिस्टिंग लाइफ शुड बी 6 मंथ, मतलब कि 6 माह से ऊपर इसको उसकी लिस्टिंग हो चुकी है प्रोडक्ट जो हम ऐड कर। इसके बाद यह है कि इसके 1000+ रिव्यूज होने चाहिए और एवरेज प्राइस इसकी $15 से लेकर $40 तक होनी चाहिए और इसका जो वेट है वो 2 kg से अबव नहीं होना चाहिए और प्राइस जो है उसकी सॉरी प्रोडक्ट जो है वो कोशिश हो गई है कि उसको अलावा खुद ना सेल करो। उसके बाद है कि मतलब वही अगर नॉट सेलिंग करो अमेजॉन सेल ना करो उसको, ट्रेंडी का सीजन ना हो
और ऑल्सो फर्स्ट हेल्प हम गूगल करते हैं, इसमें यह है कि हमने गूगल ट्रेंड्स की हेल्प देनी है कि आखिरी पाँच साल में, पिछले पाँच साल में उसके 25 से कम ना हो उसकी, मतलब जो सर्च सर्च वॉल्यूम उसका 25 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हंटिंग है, तो इसके लिए हंटिंग के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमारे मौजूद हैं जिसमें यूज़ करते हैं, इसमें हेलियम पेन है, वायरल लॉन्च है और सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो हमने यूज़ किया वो हेलियम पेन वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर हमने प्रोडक्ट हंटिंग हम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं तो अच्छी प्रोडक्ट हम कर लें, उसके लिए एक हम एक से सॉफ्टवेयर यूज़ करें और जिस प्रोडक्ट के चूज़ कर रहे हैं उसका जो मतलब है उसमें उनकी वैल्यूज भी सेम आ रही हो, सेल्स के हवाले से और रेवेन्यू के हवाले से इनकी वैल्यूज आपस में मैच कर रही हो, हमें उस प्रोडक्ट यूज़ करना है। इसमें यह है कि हमने जो हंटिंग के लिए हमने ब्लैक बॉक्स में हमने सर्च करना है, हमने कैटेगरीज सेलेक्ट कर ली, 27 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हमने और मंथली रेवेन्यू हमने 10,000 से ऊपर रखा है, तो मिनिमम जो है 10,000 से ऊपर हमारा मंथली रेवेन्यू और प्राइस जो है $20 जो भी इसकी मिनिमम प्राइस जो है और रिव्यू काउंट इसमें शो नहीं किया हुआ, अच्छा जो रिव्यू रेटिंग है वो 4 मिनिमम होना चाहिए और शिपिंग साइज है, तो इसके लिए हम सर्च किया हमने, तो एक पर हमने सर्च किया है, इसका सेलर जो है एक है और प्राइस इसकी $23.99 जो है और मंथली सेल इसकी $1638 है और मंथली रेवेन्यू उसका 39,195 और उसका जो पी एस आर है, तो पी एस आर क्या होता है, BSR होता है कि बेस्ट सेलर रैंक, तो जिसका सबसे कम हो उसको अगर हम चूज़ करते हैं तो इसका BSR 3,252 है, तो ये आगे डिपेंड करता है कि आगे जो और जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वो सब में BSR कितना आ रहा है, तो जिस जिसका BSR सबसे कम होगा उस प्रोडक्ट को हम चूज़ करते हैं। और इसके आगे रिव्यूज हैं 6,107 है, तो अभी हमको बताया कि रिव्यू हमारे जो 1,000 से ऊपर हैं तो ये ऑब्वियसली 1,000 से ऊपर हैं। इसके आगे है एक्सरे, जो प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं तो उसके एसेंस हम कॉपी कर लेते हैं, तो एक्सरे हीलियम पेन से चूज़ करना है, एक्सरे में इसका फोल्ड करते हैं, तो आगे इसका ब्रांड्स नेम आ गया और उसकी प्राइस आ गई और सेल्स इसकी आ गई, सेलिंग ग्राफ आ गया, रेवेन्यू आ गया, हर प्रोडक्ट का लगे और ये बस BSR आ गया, इस BSR के बेस पर इसको देखते हैं और इसके आगे FBA फीस एमेजॉन कितनी फीस पे फीस ले रहा है इसके लिए और कितने सेलर बैठे हैं एक्टिव सेलर्स, तो ये हमारा एक्सरे हो गया। इसके बाद है हमारा कीवर्ड, तो किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा सेल होने के लिए कीवर्ड हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जाहिर बात है जो भी बंदा सर्च करता है अमेजोन पर तो कीवर्ड बड़ा मैटर करता है, कीवर्ड के बेस पे जो हमारी और प्रोडक्ट सेल होती है, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे मेंशन होती है जाके जो भी बंदा खरीदने वाला है बेयर, तो कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें बड़ा केयर को भी आइटम करना होता है, तो इसके लिए हम सारे ग्रोह का यूज़ करते हैं। सॉरी सर, सारी ग्रो मैं ज़रा एग्जाम्पल दूँ, सारी ग्रो असल मेरिट के कीवर्ड के लिए होता है, और सारी ग्रो सर ज़रा मुझे सही इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी तो ये आप मुझे ज़रा बता दीजिए। जी, सारी ग्रो को कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मेरे ग्रुप में कर रहे हैं आए तो जी वाइटल के नाम से। अच्छा जी जी, मैं सर ऑनलाइन नहीं हूँ। अच्छा, मैं बताना जी कर, क्योंकि मैंने और अब्दुल रहमान ने दोनों ने मिलके बनाया था, ठीक है तो इसलिए तो सर अभी ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, ठीक है। अब मैंने इसका एसएन नंबर लेके मैंने यहाँ पे इनपुट किया तो मुझे इसके कीवर्ड सब शो हो गए, ठीक है। अब मुझे इसमें पता चल रहा है कि कीवर्ड्स इसके कितने, इसके रैंकिंग कर रहा है कितनी, क्या कर रहा है कितने, सब कुछ आ गया इसके साथ, सारे मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। अभी अब्दुल रहमान थोड़ा नीचे करो उसको, इसके पास अब नीचे आ गया तो मेरे पास काफ़ी कीवर्ड आ गए, ठीक है। अभी मैं चाह रहा था कीवर्ड मुझे सबसे अच्छा कीवर्ड मिले, ठीक है, तो कीवर्ड्स मुझे मिल रहे थे या शो हो रहे थे,
वो कुछ जिसमें 10,000 था, किसी में 5,000 था, किसी में 6,000 था, कुछ मुझे ऐसे भी मिले हैं जिसमें 20,000 भी था और उसका CBR भी कम था, ठीक है, तो वो भी मैंने इस पर मैंशन किया था, ठीक है, ये वो कीवर्ड के लिए मैंने यूज़ किया था। फिर मान थोड़ा नीचे कर लो इससे, बोल रहे हैं मैं बोलूं जी, नीचे नीचे कर जी, जी। तो हम जाते हैं, ठीक है, तो सोर्सिंग में हमने चीज चेक करनी थी अलीबाबा से हमारे पास क्या क्या चीज चाहिए होती है, हमें ट्रेड इंश्योरेंस चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए होती है और लेस देन रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि हमें 3 घंटे से कम हो, वो हमारे पास जो डायमंड होते हैं वो हमसे 3 से 4 डायमंड होने चाहिए बस, डिलीवरी रेट हमारे पास 80% होना चाहिए हमारे पास मिनिमम। ये नीचे कर लें रोमन भाई, अभी मैंने वही जो किया था उसको हैंड किया था, ये मैंने एक पर्दा था, ठीक है, तो ये मैंने हैंड किया था, तो उसके बाद मैंने इसका सारे टूल्स में अलीबाबा में यूज़ किया वो जो आपको मैंने बताया, फिर उसके बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिली ये वाली अमेरिकन स्टाइल होल सेल वाली, तो फिर मैंने इसको क्लिक किया, इसके आगे मुझे 4 स्टार में 5 स्टार भी मिल रही है, मुझे वेरिफिकेशन भी है, 100% भी है, सब कुछ है, तो मैंने इसको ओपन किया, फिर नीचे कर दो भाई रुमान की तरफ, इसकी कंपनी मैंने चेक की, कंपनी के बाद मैंने चेक किया इसके कितना सारा टोटल चेक करके, ठीक है, फिर इसका थोड़ा रुमान भी नीचे कर लो उसको, नीचे नीचे कर लो, इससे भी नीचे कर लो, इस वक्त कंपनी चेक की, कंपनी से फिर जो भी मेरी चैट पे बातचीत होगी बस, फिर वो जो भी आप फाइनल करोगे इसमें यही चीज़ है सोर्सिंग में, और ये कंपनी का जो लिखा हुआ है कि इसकी इतनी सेल है, इतना इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट्स है, रिस्पॉन्स टाइम 3 घंटे इसका, आपने 4 घंटे कहा था, इसका 3 घंटे सर, बस यही जी, ठीक है, वेल डन अब्दुलरहमान और ताहिर जी, बाकी और कोई स्टूडेंट रहता तो नहीं है, दानिश आपके ग्रुप के जो मेंबर रहते तो होगी उनकी कवर हुई है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सबके जी सर, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, फैज भाई आपने देनी थी प्रेजेंटेशन बाद में तो दे दी, अच्छा दे दी, ठीक है जी सर, मालूम दरवेश के लिए, हाँ दरवेश साहब क्या ख्याल हैं दरवेश साहब, जी अस्सलाम वालेकुम दरवेश साहब, आप मुझे ना पर्सनली, ठीक है मैं पर्सनली आपसे दे रहा हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं, बार बार चलें ठीक है, बारकल्ला, चलें होप सो बाकी सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वेल डन, अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मंडे से पीपीसी कैंपेन की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है, और फिर देन पीपीसी कैंपेन, फिर फाइबर सात दराज का, और फिर इंशाल्लाह होप सो आज क्या तारीख है 14 अक्टूबर है, इंशाल्लाह आगे हैं हमारे 16 दिन हैं, तो यकम तक इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा क्लियर, ठीक है इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।